तुम एक काम करो विराट, तुम ये घर छोड़कर चले जाओ। अश्विनी, दिल की सुनने का मतलब ये नहीं कि तुम दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर दो। क्या बकवास कर रही हो? आई, आपको मुझसे इतनी कड़वी बात करने की जरूरत नहीं थी। अब बस यूं ही एक बार मुझसे कह देती कि गुड़ू चला जाए यहां से, चला जाता, एक सवाल नहीं करता मैं आपसे। यहां हर कोई मुझ पर उंगली उठा रहा है, सबकी नजर में मैं एक झूठा और धोखेबाज इंसान हूं। अगर मेरा ही हर घर वाला ये सोचता है तो मेरा यह रुकने का कोई मतलब नहीं है। मैं जानता हूं कि मेरी हरकत से सई को बहुत तकलीफ पहुंची है और इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन एक बात को लेकर मैं बहुत खुश हूं कि एक मामले में हम सब एक जैसे ही सोचते हैं। मैं भी नहीं चाहता कि सई इस घर को छोड़कर जाए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहां रहते हैं या नहीं, लेकिन मैं यहां नहीं रहूंगी। और अगर आप मुझे जरा भी जानते तो इतना जानते विराट सर कि मैं कभी नहीं चाहूंगी कि आप यहां से चले जाएं और मैं यहां रहूं। तुम प्लीज यहां से चले जाओ। नहीं सही, अपने सही गलत का एहसास नहीं है तुम्हें अभी, इसलिए ये काम हमी पर छोड़ दो तुम। मुझे भी कहने में कुछ अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन विराट का इस घर से चले जाना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब कर देती। मैं नहीं चाहता कि इसकी देखा देखी इस घर के बाकी बेटे भी इसके नक्शे कदम पर चले। आई बाबा, आप लोग भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे, अपने बेटे को इतना गलत समझ रहे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे आई बाबा ने मुझे पल भर में पराया कर दिया। बहुत तकलीफ दी है मैंने आप सबको, इस घर को, लेकिन अब और नहीं, अब नहीं दूंगा। चला जाऊं मैं यहां से। एक मिनट दादा, अब जब आपने इस घर को छोड़ के श्रुति के साथ अपनी एक नई दुनिया बसाने का फैसला कर ही लिया है तो जाने से पहले बस एक काम कर दीजिए, सई वहिनी को डिवोर्स दे दीजिए। मोहित, क्या गलत कहा है उसने? तुम्हें सई को डिवोर्स देना ही होगा ताकि ये इस घर में हमारी बेटी बनकर रहे, और एक दिन हम कोई अच्छा लड़का देखकर इसके हाथ पीले कर दें। विराट, तू मेरे बेटे पे क्यों चिल्ला रहा है? मतलब गलती खता, मिस्टेक भी तुम करो और चिल्लाए भी तू ही। आई यार, डिस्कशन का टॉपिक कुछ और चल रहा है, प्लीज छोड़िए इन सब पुरानी बातों को। बस बस, अब बीच में कोई नहीं बोलेगा। आज मैं जो करना है सिर्फ अपनी बेटी की भलाई के लिए करूंगा,
फिर चाहे वो भलाई अपने बेटे से उसे डिवोर्स दिलाने में ही क्यों ना। बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया नीनाद? इस जंगली मुर्गी के साथ रह रहकर तुम्हारे अक्ल में घास चरने चली गई है। मैं विराट का तलाक नहीं होने दूंगी। आज तक इस खानदान के किसी भी बेटे का तलाक नहीं हुआ है। और तुमने तो अपनी बहू की दूसरी शादी के सपने भी सजा लिए। साफ साफ पता चल रहा है कि सठिया गए हो तुम। वहीनी मैं नहीं चाहता कि सही अपनी जिंदगी जीना छोड़े, वो भी सिर्फ इसलिए कि मेरे बेटे ने उसे छोड़ दिया है और उसने किसी और के साथ जिंदगी जीना शुरू कर दिया है। अगर ये सही को छोड़ नहीं सकता तो मैं कम से कम अपनी सही को इस बेवजह के रिश्ते से आजादी तो दिला सकता। मैं ना तो सही को डिवोर्स देने के बारे में सोच रहा हूं और ना ही मैं सही को डिवोर्स दे सकता हूं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम ये कहना चाहते हो कि तुम सई को डिवोर्स नहीं दोगे? एक ही वक्त में सई और श्रुति दोनों के साथ रहना चाहते हो? मैं ना तो अपनी बात फिर से दोहरा सकता हूँ, ना खुद को सही साबित करने की मुझ में ताकत है। मैं सई को डिवोर्स देना नहीं चाहता हूँ, और अगर सही खुद सामने से मांगेगी तो मैं मना नहीं करूंगा। जो वो बोलेगी मैं वो कर दूंगा। मैं अब थक गया हूं। मैं जल्द ही अपने डाइवोर्स पेपर खुद बनाऊंगी और बहुत जल्द इसी घर में आपसे उन पर साइन लेने भी आऊंगी। मस्त मस्त, इसे कहते हैं शान से बेवकूफी करना। तुझे क्या लगता है खुद के तलाक के कागजात बनाना गर्व की बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर इस घर का बेटा ये कह रहा है कि वो मेरे मांगने पर डाइवोर्स दे देगा तो उनके पीछे की बात का मतलब और मकसद साफ है कि अब उनकी जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं। वीरू, तू बहुत बुरा कर रहा है। वीरू, तू मेरी सही को क्यों तंग कर रहा है? तू गंदा है वीरू, तू गंदा है, गंदा है, गंदा है। ताई, 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 मैं चाहती हूँ आप सब मुझे खुशी खुशी अलविदा करें, क्योंकि मुझे आप सबके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। क्योंकि अब से मेरी हर मुसीबत का सामना मैं खुद करूंगी अकेली। इसलिए आप प्लीज मुझे मनाने के बजाय मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दीजिए, और मैं आप सबसे विनती करती हूँ प्लीज मुझे मत रोकिए। सही, मत जा हमें छोड़कर। तू जाएगी तो ये सारा घर सूना हो जाएगा। मुझे तो तेरे जाने की बात सोचकर ही घबराहट हो रही है। अब बस भी कीजिए दादा, इस पत्थर दिल लड़की के आगे गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं। कितनी जिद्दी है तू सही, तेरे ससुर तेरे सामने हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं, सब लोग तुझे मना रहे हैं, फिर भी तू टस से मस नहीं हो रही ना? शर्म नहीं आती तुझे? आप लोगों को ना मुझे सुनाने का बस कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है, इसलिए मैं ना इनकी बातें अनसुनी कर देती हूँ। हमें भी तुम्हारी बातों को अनसुना करने की आदत डाल ही लेनी चाहिए सही, क्योंकि न जाने कितनी बार तो तुम ये बोल चुकी हो कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, घर छोड़कर जा रही हूँ, और तुम बाहर जाती हो और विराट तुम्हें वापस मना कर लेकर आ जाता है। और अगर इस बार भी कुछ ऐसा ही करने वाली हो तो हमें पहले से बता दो,
हम लोग ये सब टेंशन में पड़ेंगे ही नहीं। बाकी दीदी आप ये सारे सवाल जवाब क्यों कर रही है? जहाँ तक मुझे पता है आप तो खुश होंगी ना कि मैं जा रही हूँ, तो आप इंजॉय करिए, हंसी खुशी गुड बाय बोलिए। ये सवाल जवाब करके आपको क्या फायदा? रुक, भागे हो। तुझे मैं आशीर्वाद नहीं दूंगी। तू इस घर की सच्ची बहू नहीं है, क्योंकि तू खुद के अलावा किसी और के बारे में सोचती ही नहीं है। खास तौर पे इस परिवार की इज्जत की तुझे कोई परवाह नहीं है। तुझे आशीर्वाद मांगने का कोई हक नहीं है। बहुत स्वार्थी है तू। अगर अपने हक के लिए आवाज उठाना स्वार्थ है तो हाँ मैं स्वार्थी हूँ, और मैं जिंदगी भर स्वार्थी ही रहूंगी काकू। सही, बच जाओ ना, बच जाओ, बच जाओ ना, ये घर छोड़ के बच जाओ। मैं तुम्हारी सास तुमसे कहती हूँ, तुम मेरे बेटे से तलाक लेना चाहती हो ना, ले लो तलाक, लेकिन तलाक लेने के बाद तुम यहीं पे रहो ना, ताकि लोगों को पता ना चले कि तुम्हारे और विराट के बीच में क्या हो गया। आई, आप मुझे अच्छी तरीके से जानती हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ जो किसी से बात छुपाऊं या फिर ज्यादा देर तक एक छोटी जिंदगी जीऊं। मैं जानती हूँ आप में से कई लोग मेरे जाने से निराश हैं, लेकिन प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग निराश मत होइए, स्ट्रांग बनिए, है ना? और मुझे वादा कीजिए कि आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, और मुझे भूल जाएंगे। हम सबको तुम्हारी आदत पड़ गई है सही, तुम्हारे बिना ये घर हम इमेजिन नहीं कर सकते। वक्त लगेगा दादा, लेकिन जैसे मेरे होने की आदत पड़ी थी ना, वैसे मेरे ना होने की आदत भी पड़ जाएगी, और आप देखिएगा एक दिन आप सबको एहसास होगा कि मैंने जो फैसला लिया है ना वो बिल्कुल सही लिया है। और दादा अगर मैं आज नहीं गई ना तो मेरा आत्मसम्मान चूर चूर हो जाएगा, और फिर मैं वो सही नहीं रहूं जिसे आप सब प्यार करते थे, इतना मानते थे। मानसी बुआ, नहीं बाड़ा, यहाँ से जाके हमें भूल तो नहीं जाएगी ना? नहीं मानसी बुआ, मैंने आप लोगों को रोज याद करूंगी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरे आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ में बेटा, अपना ध्यान रखना, और हाँ कभी भी कोई तकलीफ हो या कुछ कमी रह जाए ना तो अपने दादा को फोन कर देना, वादा? वादा। संभालना राउदे, तूने तो जाने का फैसला कर ही लिया है ना? जहां भी रहोगी खुश हैप्पी प्रसन्न रहना। जी काकू। मोहित भैया, करिश्मा, आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहना, जिंदगी भर चाहे कुछ भी हो जाए, कभी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। और मैं पापा से प्रार्थना करूंगी कि आप दोनों की आने वाली जिंदगी में सिर्फ खुशियां हो और आपकी सारी विशेष पूरी हो जाए। अब ये सब मत करिए ना, अब यहाँ से क्यों जा रही? आपने थोड़ी ना कोई गलती की है। अरे अब वो सब छोड़ो, अभी आप सिर्फ अपने आने वाले नए टीवी शो की तैयारी करो, और मुझे प्रॉमिस करो कि उसकी प्रीमियर डेट आप मुझे फोन करके याद दिलाओगे। चलो प्रॉमिस करो। Promise. ये हुई ना बात, और मैं तो ना लोगों को पकड़ पकड़ के दिखाऊंगी कि देखो देखो मेरे भाई का टीवी शो आ रहा है।
कभी भी अपना पैशन मत भूलना, हमेशा अपना पैशन फॉलो करना और करिश्मा का ख्याल रखना। साबित कर दिया तूने, अश्विनी, ये मुझे अपना बाबा मानती ही नहीं है। अगर मानती तो मेरी बात सुनती। यार रोकने का हक होता इसे। साबित कर दिया इसने, बेटी और बहू का फर्क साबित कर दिया तूने। कुछ भी, आप तो, मैं आपकी बेटी हूँ, थी और रहूंगी। आप ना मेरे आबा की तरह मेरे आदर्श हो, मेरी हिम्मत हो। आए बाबा, आप दोनों मेरे लिए सब कुछ हो। आप हमेशा खुश रहिएगा। बहुत अच्छी लगी। इसे हमेशा पहन कर रखोगी ना? For such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.